नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल, आज बात करेंगे पुरुषों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, अपने दांतों के बारे में ये मज़ेदार बातें आपको मालूम थी क्या। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, जैसे जानिए घी के फायदे। ब्रेस्ट कैंसर ये आदमियों को भी होता है, शायद कई लोग ये बात पहली बार सुन रहे होंगे, पर ऐसा होता है। हिंदुस्तान में हर 28वीं औरत को ब्रेस्ट कैंसर है, ये इतना आम है। पर आदमियों में ब्रेस्ट कैंसर औरतों के मुकाबले बहुत कम होता है। परेशान करने वाली बात यह है कि पुरुषों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जानकारी बहुत ही कम है। अब इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 40% मेल ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को उनकी बीमारी के बारे में बहुत बाद में पता चलता है, काफ़ी एडवांस्ड स्टेज में पता चलता है। साथ ही ट्यूमर का साइज़ भी औरतों में जो ट्यूमर का साइज़ होता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो आज बात करेंगे आदमियों को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं ये किस तरह का कैंसर होता है और क्यों हो जाता है। पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण एग्जैक्टली हमको पता नहीं, पर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, जिसमें है कि उम्र का बढ़ना या फिर फैमिलियल डिसऑर्डर्स, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। उसी के साथ अगर किसी पुरुष को चेस्ट के एरिया में रेडिएशन थेरेपी मिला है तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उसी के साथ कुछ फैमिलियल जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ब्रेका म्यूटेशंस, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस या रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। कारण आपने जान लिए, अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा किसी पुरुष को कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, यानी इसके लक्षण क्या हैं और साथ ही इसका इलाज क्या होता है। ब्रेस्ट में या छाती में कोई गांठ होना, छाती में ब्रेस्ट के ऊपर का कलर चेंज हो जाना या फिर निप्पल का रिट्रैक्शन हो जाना या बगल में गांठ आ जाना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम पेशेंट में आ जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी नाम का एक टेस्ट किया जाता है। बायोप्सी मतलब जो गांठ होते हैं, गांठ में से एक टुकड़ा निकाला जाता है और वो टुकड़े को लैब में तपाश के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद हमको कैंसर है कि नहीं ये मालूम पड़ जाता है। उसी के साथ कैंसर में कुछ और टेस्ट भी किए जाते हैं जिससे हम कैंसर का स्टेज मालूम कर सकते हैं, जिनमें पेट सीटी स्कैन, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमको बीमारी का स्टेज मालूम पड़ जाता है। एक बार पेशेंट को बीमारी का स्टेज मालूम पड़ गया तो आगे ट्रीटमेंट क्या करना है। ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बुनियादी तौर पर महिलाओं में और पुरुषों में सेम ही है, मतलब कुछ अलग टाइप का ट्रीटमेंट नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में मेजरली तीन टाइप का ट्रीटमेंट होता है। पहला जो होता है जिसको बोलते हैं सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन करके गांठ निकाल देते हैं। दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम कैंसर के कुछ मेडिसिंस होते हैं जिनमें जिनको हम सलाइन थ्रू या टैबलेट थ्रू पेशेंट को देते हैं, जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। और तीसरा जो ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में कुछ हाई एनर्जी एक्सरेज या गामा रेज होते हैं जिसका उपयोग हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। सो ये तीन टाइप के ट्रीटमेंट्स कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है। डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है, उम्मीद है उसे सुनकर आपकी आंखें खुल गई होंगी। ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात मालूम हो कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों को नहीं होता। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे दांत ये ना हो तो हम भूखे मर जाएं। अरे भाई, अगर ये नहीं होंगे तो खाना चबाएंगे कैसे। पर बात जब इनकी देखभाल करने की आती है तो हमें बड़ा आलस आता है। पर डेंटल हेल्थ के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, आज बात करेंगे दांतों से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स के बारे में। जैसे आपके दांतों पर एक कोटिंग होती है इनामिल की, ये बना होता है एक मिनरल से, ज़्यादातर कैल्शियम फॉस्फेट से। अब ये इनामिल आपके शरीर का सबसे सख्त, सबसे हार्ड हिस्सा होता है, हड्डियों से भी ज़्यादा हार्ड। पर एक दिक्कत है,
आपके दांत आपके शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा है जो अपने आप खुद को ठीक नहीं कर पाते। अब इसके पीछे भी वजह इनामिल ही है, क्योंकि ये एक जिंदा टिश्यू नहीं है। एक बात और, आपके दांतों का एक तिहाई हिस्सा मसूड़ों के नीचे होता है। अच्छा, आपको ये पता था क्या, कोई भी दो लोगों के पास एक जैसे दांत नहीं होते हैं। अब जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, ठीक वैसे ही दांत भी। जाते जाते एक बात और जान लीजिए, दुनिया में सबसे लंबा दांत था 3.2 सेंटीमीटर का, यानी इंसानों में पाया जाने वाला सबसे लंबा दांत। ये निकाला गया था सिंगापुर में साल 2009 में। सही है। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो घी से दूरी बना लेते हैं, पर आपको पता है घी के कितने सारे फायदे हैं? अगर सही मात्रा में, बैलेंस्ड मात्रा में इसको लिया जाए तो ये काफी हेल्दी है। देखिए, घी में होता है विटामिन ए और फैटी एसिड्स। अब ठंड में घी इसलिए भी सही रहता है क्योंकि आपके शरीर की गर्मी को बैलेंस करके रखता है, आपके शरीर में गर्मी को रहने देता है इन्हीं फैटी एसिड्स की बदौलत। तो ठंड में अपनी डाइट में घी को जरूर शामिल कर लें। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।